नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एमएस वर्ड 2019 में लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ब्लॉग में मार्जिन का उपयोग कैसे करते हैं। सभी एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मार्जिन का यूज किया जाता है। अब सवाल उठता है कि मार्जिन होता क्या है। मार्जिन दस्तावेज की सामग्री और पेज के किनारों के बीच की खाली जगह होती है। पेज के प्रत्येक तरफ टेक्स्ट का डिफॉल्ट मार्जिन लगभग 1 इंच रहता है, लेकिन आप अपने दस्तावेज की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए मार्जिन को बदल भी सकते हैं। आइए अब हम प्रैक्टिकल तरीके से मार्जिन का उपयोग सीखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रो, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मार्जिन को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लिया हुआ है। अब ये कर्सर आप देखेंगे ऊपर से और लेफ्ट साइड से देखेंगे काफ़ी गैप में ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक। आप देखेंगे टेक्स्ट हमारा इस किनारे से यानी कि इस एज से काफ़ी गैप में है। उसी तरीके से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी इसमें काफ़ी गैप है। तो ये गैप कैसे सेट किया गया है, आप यहाँ पर जाएंगे मार्जिन ऑप्शन पर और यहाँ पर कस्टम मार्जिन को सिलेक्ट करेंगे। कस्टम मार्जिन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमने जो यहाँ पर गैप दिया हुआ है 1.15 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है चारों तरफ का, यानी टॉप का भी, बॉटम का भी, लेफ्ट का भी और राइट का भी। इसको अगर आप यहां से इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज करके जैसे आप यहां पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मार्जिन हमारा यहां से टॉप से नीचे की तरफ खिसक गया। तो इस तरीके से आप मार्जिन का यहां पर यूज़ कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शन को समझने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ले लिया है। अब यहाँ से हम चले जाते हैं पेज लेआउट में मार्जिन वाले ऑप्शन पर। आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट कस्टम सेटिंग की अगर हम बात करें तो लास्ट जो हमारी कस्टम सेटिंग थी वो ये थी, यानी जो भी हमने मार्जिन का सेटअप किया था वो लास्ट सेटअप हमारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये था। इसके अलावा अगर आप यहाँ से नॉर्मल मार्जिन का यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप नॉर्मल मार्जिन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये मार्जिन नॉर्मली एडजस्ट हो गया। हम वापस से यहाँ से अगर हम नैरो मार्जिन का यूज़ करके दिखाते हैं आपको, नैरो मार्जिन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो गैप था वो काफ़ी कम हो गया, यानी मार्जिन का जो गैप था वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे मार्जिन दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम वाइट की बात करें, वाइट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे लेफ्ट का मार्जिन और हमारे राइट का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होगा, टॉप का और बॉटम का हमारा मार्जिन कम होगा। तो इस तरीके से आप इन सभी मार्जिन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल मार्जिन पर क्लिक करने के बाद आप मार्जिन पर वापस से क्लिक करिए, नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टम मार्जिन का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मार्जिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट जो भी मार्जिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें वो यहाँ पर ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मार्जिन जो रखना चाहता हूँ वो 3.5 रखना चाहता हूँ टॉप से, और बॉटम से भी मैं इसे 3.5 रखना चाहता हूँ, लेफ्ट से मैं चाहता हूँ ये 2.5 हो और राइट से बेसिकली ये भी 2.5 हो। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा मार्जिन उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जिस हिसाब से हमने यहाँ पर सेटिंग की है। तो इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओरिएंटेशन का, यहाँ से आप अपने पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यानी आप इसे पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में रख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके जैसे यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको डायरेक्टली आप चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन पर जाने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर गेटर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पर इसके साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बाइंडिंग का ऑप्शन हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अपनी बुक क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें बाइंडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए भी अलग से आपको साइज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। कितना साइज़ आप गेटर के लिए रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद
गेटर पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आप इसकी पोजीशन दो तरीके से रख सकते हैं, पहला लेफ्ट और दूसरा टॉप। तो बेसिकली हम इसको लेफ्ट साइड से रखेंगे। तो इसके बाद आप यहाँ से लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जो भी रखना चाहें इसका ओरिएंटेशन आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल पेजेस का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। मल्टीपल पेज पर जैसे आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिरर मार्जिन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू आपको यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा। अब मिरर मार्जिन में बेसिकली होता क्या है तो आप देखेंगे मिरर मार्जिन में जो हमारा लेफ्ट साइड का पेज था उसका जो गेटर है वो राइट साइड में आ रहा है, और राइट साइड का जो पेज है उसका जो गेटर है वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रहा है। यानी जब आप अपने बुक की बाइंडिंग करेंगे तो इस तरीके का अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो टू पेजेस पर शीट को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपके पास दो पेजेस हैं और वन शीट पे आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें बुक फोल्डर की, तो जैसे आप बुक फोल्डर का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अगर आप कोई बुक क्रिएट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका जो यहाँ पर गेटर का स्टाइल है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेट एज डिफॉल्ट का। अब इसका कैसे आप यूज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने जो भी मार्जिन सेट किया है, जो भी गेटर का साइज सेट किया है, या जो भी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट का आपने जो भी स्टाइल सेट किया है, मान लीजिए हम फिलहाल इसको नॉर्मल रख लेते हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमने यहाँ पर सेटिंग की है वो डिफॉल्ट हो जाए, यानी ये ऑटोमेटिक बार बार चेंज ना हो, आप इसे चाहते हैं ये सेटिंग आपकी डिफॉल्ट रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अब आप देखेंगे जो भी मार्जिन हमने यहाँ पर सेट किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई न्यू पेज इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर न्यू पेज ले लेते हैं, फाइल पर जाकर के यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे हमारा जो ब्लैंक पेज यहाँ पर इंसर्ट होगा इसके ऊपर भी सेम वही मार्जिन सेटिंग्स होगी जो कि हमने रिसेंटली अभी सेट किया था। हम लेआउट पर जाएंगे, वापस से मार्जिन पर जाएंगे, कस्टम मार्जिन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सेम वही मार्जिन आपको दिखाई देगा इस ब्लैंक पेज के ऊपर भी, यानी कि वो मार्जिन आपका एमएस वर्ड के लिए सेट हो जाएगा, और जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो उसमें बार बार आपको मार्जिन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई टू वॉल डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड। इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं तो उसके लिए फिलहाल मैं यहाँ से इसकी सेटिंग्स को वापस से नॉर्मल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 1.5 टॉप से और 1.5 यहाँ से बॉटम से, लेफ्ट से भी मैं इसे 1.5 ही रखता हूँ और राइट से भी मैं इसको 1.5 ही रखता हूँ। गेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप गेटर जितना भी रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 गेटर का साइज यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर हम इसे ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, और इसके बाद हम चाहते हैं जो हमारा पहला पेज है इसका मार्जिन जैसा भी है इसको बिल्कुल इसी तरीके से रखना है, और दो नंबर के पेजेस से हम मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, वापस से मार्जिन पर जाएंगे। मार्जिन पर जाने के बाद यहाँ से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसका मार्जिन रखते हैं 2.5, और यहाँ से भी हम बॉटम का साइज रख देते हैं 2.5, लेफ्ट का साइज भी हम यहाँ पर 2.5 रखते हैं, और राइट का भी हम यहाँ पर 2.5 रखते हैं। गेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 3 रखते हैं, और इसके बाद नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वोल डॉक्यूमेंट। वोल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जितना भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, चाहे वो हमारा पहला पेज हो चाहे हमारा दूसरा पेज हो, यानी इसके बाद का जितना भी पेज हो सब पर ये अप्लाई हो जाए। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर दिस पॉइंट फॉरवर्ड का, इसको अगर आप सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मार्जिन था वो केवल सेकंड पेज से बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब पर अप्लाई होगा, बट इसका जो फर्स्ट पेज है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करके इसे वापस से जैसा था वैसा ही बना देते हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर पेपर का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पेपर ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको पेपर साइजेस दिखाई देंगे, इसमें से आप कोई भी साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका लीगल पेपर हो चाहे वो आपका लेटर पेपर हो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे साइज दिखाई देंगे। जिस भी साइज को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उसका विथ और हाइट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर विथ या हाइट को चेंज भी करना चाहें तो आप इजीली उसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कस्टम साइज अपने आप आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी आप साइज यहाँ देना चाहें अपने पेज का वो यहाँ पर इजीली उसको दे सकते हैं। नीचे की तरफ आपको उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। सेम प्रोसेस अप्लाई टू वॉल, इसका भी सेम वही यूज है जो रिसेंटली मैंने आपको बताया।
प्रिंट ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंट की सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाकर दे दूंगा, वहाँ पे आप इन सभी सेटिंग्स को समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम इस ऑप्शन को यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, हम इसे फिलहाल यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेआउट का। लेआउट ऑप्शन में आप देखेंगे हमारे सामने सेक्शंस हैं और यहाँ पर हेडर एंड फुटर हैं, और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर पेजेस ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ करने के लिए और यहाँ पर हम इवन पेज को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर इवन नंबर का पेज सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर पेजेस नंबर रिप्रेजेंट करा रखे हैं। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर पेज नंबर 2 है, यहाँ पर पेज नंबर 3 है, यहाँ पर पेज नंबर 4 है, बट पहले पेज पर हमारा कोई भी पेज नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम जाएंगे वापस से इसी सेटिंग्स पर, यहाँ पर हम जाएंगे ऑड नंबर पर और यहाँ पर डिफरेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से फिलहाल हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 1 भी आ गया, पेज नंबर 2 भी आ गया, पेज नंबर 3 भी आ गया और पेज नंबर 4 आ गया। अब इसको मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ प्रॉपर तरीके से कि इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो फिर से हम उसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पेज सेटअप का एक छोटा सा कॉर्नर में ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी वही सेटिंग्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सेक्शन दिखाई देंगे जिसमें आपका कंटिन्यूअस है, न्यू कॉलम है, न्यू पेजेस है, इवन और ऑड पेजेस है। तो बेसिकली ये जो ऑप्शंस हैं ये सभी ऑप्शंस आपके सेक्शंस हैं। पेज ब्रेक के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं पेज ब्रेक पर, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे पहला जो सेक्शन है वो हमारा पेज ब्रेक का है और दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो सेक्शन ब्रेक का है। तो सेक्शन ब्रेक के अंदर आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे जो ऑप्शन वहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम वापस से इसी सेटिंग्स पर फिर से चले जाते हैं। यहाँ से हमने इवन पेज को यहाँ पर सिलेक्ट किया। इवन पेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिफरेंट ऑड एंड इवन नंबर, इसको आप सिलेक्ट करके नीचे की तरफ जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पहले पेज का जो पेज नंबर था वो यहाँ से गायब हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर पहले पेज के बाद डायरेक्टली थर्ड नंबर का पेज रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेटिंग इसकी रखी थी वो इवन पेज की रखी थी। इवन पेज का मतलब हमारा जो पेज स्टार्ट होगा वो इवन नंबर से स्टार्ट होगा। इवन नंबर यानी कि पहले पेज को हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर ये जो पेज का नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये बेसिकली हमारा पेज नंबर 2 हो गया। 2 के बाद जो हमारा राइट साइड में यहाँ पर पेज नंबर दिखाई दे रहा है वो हमारा पेज नंबर 3 हो गया। और इसके नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर के बाद 4 नंबर का पेज आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिखाई देगा 5 नंबर का पेज। और नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 6 नंबर की बजाय सीधे 7 नंबर का पेज आपको दिखाई देगा। यानी यहाँ पर जो भी पेजेस शो करेगा वो आपका इवन नंबर को छोड़ करके ऑड नंबर के पेजेस यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से हम इस पर वापस से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑड नंबर पेजेस, और ऑड पेजेस को लेने के बाद यहाँ पर जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब ऑड पेजेस में हमारा पेज नंबर 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो 2 नंबर का पेज हमारा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, सीधे 3 नंबर का पेज आ रहा है। 4 नंबर का पेज यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, नीचे की तरफ जाएंगे तो सीधे 5 नंबर का पेज हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इवन नंबर और पेज नंबर को प्रिंट कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में इस सेटिंग की मदद से। अब इसके बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा डिफरेंट फर्स्ट पेज। अभी फिलहाल हम इस टिक मार्क को यहाँ से हटा लेते हैं और इस वाले टिक को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब ओके बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब हुआ कि आपका जो फर्स्ट पेज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, सेकंड जो पेज होगा वो पेज नंबर 2 आपको दिखाई देगा, नीचे की तरफ आपके जितने भी पेजेस होंगे सब पर आपका पेज नंबर आएगा। नीचे की तरफ और दिखा देता हूँ आपको कि सभी पेजेस आपको रिप्रेजेंट होंगे बट जो फर्स्ट पेज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा आपके पेज नंबर से। ये पेज नंबर मैं आपको बता दूं, बेसिकली मैंने यहाँ पर हेडर और फुटर का यूज़ करके पेज नंबर को थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। इसके बाद वापस से हम लेआउट ऑप्शन पर जाते हैं और इसी ऑप्शन पर हम फिर से क्लिक करते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा पेजेस का वर्टिकल अलाइनमेंट। अब ये वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो उसके लिए फिलहाल मैं यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। 3 पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर चले जाता हूँ वापस से लेआउट टैब पर, उसी ऑप्शन पर वापस से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट को अभी फिलहाल हमने टॉप रखा हुआ है, अब मैं आपको सेंटर रख के दिखाता हूँ। सेंटर रख करके जैसे मैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारा जो पेज का अलाइनमेंट होगा वो बिल्कुल सेंटर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख नहीं पाएंगे और नीचे की तरफ भी अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते। ऊपर का और नीचे का जो मार्जिन था वो बिल्कुल इक्वली एडजस्ट हो जाएगा।
इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर हम बात करें जस्टिफाई की, तो जस्टिफाई को सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पर ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पेज यहाँ पर मार्जिन के हिसाब से कवरअप हो जाएगा। आप बीच में जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, बट इसके नीचे की तरफ जहाँ तक इसका मार्जिन है वहाँ तक आप इसे लिख सकते हैं और ये जस्टिफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि जस्टिफाई का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट को दोनों तरफ से परफेक्ट अलाइनमेंट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने पूरे मैटर को यहाँ पर सिलेक्ट किया और होम टैब में आप देखेंगे यहाँ पर जस्टिफाई का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड से हमारा जो डाटा है और राइट साइड से जो भी हमारा डाटा है वो इक्वली पोजिशन में हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। सेम इसी तरीके से आप वर्टिकली आप इस अलाइनमेंट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा बॉटम ऑप्शन है। बॉटम को सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे से हमारा डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ऊपर की तरफ आप देखेंगे पूरा का पूरा पेज हमारा ब्लैंक होगा। जितना भी डेटा होगा हमारा वो नीचे से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर आप टॉप ऑप्शन का यूज़ करना चाहें तो सेम यहाँ पर टॉप को सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका टॉप से आपका वर्टिकली अलाइनमेंट यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इजीली यहाँ नीचे की तरफ कुछ भी टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, वर्टिकली अलाइनमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लाइन नंबर्स की, तो आप यहाँ पर लाइन नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो लाइन नंबर के लिए हम फिर से उसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद हम फिर से उसी ऑप्शन को ओपन करते हैं। आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको एक लाइन नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस लाइन नंबर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड लाइन नंबरिंग का, इस पर आपको टिक करना है। इस पर जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको स्टार्टअप कहाँ से करना है, तो आपको स्टार्टअप में 1 रखना है। फ्रॉम टेक्स्ट में आपको ऑटो सेटिंग रखनी है और काउंट बाय में भी आपको 1 रखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने रीस्टार्ट ईच पेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पर ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पेज नंबर है यहाँ पर आप देखेंगे आपका पेज नंबर 1 से लेकर नीचे 23 तक आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर दूसरे पेज पर आप जंप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका 1 से लेकर यहाँ पर 23 तक आपको आपका लाइन नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अलावा अगर आप इस पर वापस से क्लिक करते हैं और उसी सेटिंग पर वापस से क्लिक करके तो यहाँ पर आप रीस्टार्ट ईच सिलेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके बटन को सिलेक्ट कर यहाँ पर ओके कर देते हैं तो आप देखेंगे आपका जो लाइन नंबर है वो यहाँ से 1 से लेकर 23 तक आ रहा है और 23 के बाद यहाँ से 24 से फिर से स्टार्ट हो गया। तो लास्ट तक आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है और जितने भी नंबर्स हैं उतने नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप लाइन नंबरिंग का इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर को आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर को क्लिक करने के बाद आपके सामने बॉर्डर का एक फीचर ओपन हो जाएगा और आप अपने पेजेस के चारों तरफ जिस तरीके का यहाँ पर बॉर्डर यूज़ करना चाहें वो यहाँ पर बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे बॉर्डर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस बॉर्डर को सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट के चारों तरफ यहाँ पर बॉर्डर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर के काफ़ी सारे फॉर्मेट्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। बॉर्डर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे आर्ट, आर्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आर्ट के काफ़ी सारे यहाँ पर बॉर्डर दिखाई देंगे। इसमें से भी आप कोई बॉर्डर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से इस वाले बॉर्डर को सिलेक्ट किया, इस बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो बॉर्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। बाकी बॉर्डर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो इसे देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से इसे देख सकते हैं। ये बेसिकली हमारा लेआउट का मार्जिन ऑप्शन था। एमएस वर्ड के अंदर अपने पेपर साइज को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताएं, जैसे हम साइज पर जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा A4 साइज का पेपर है जिसका साइज है 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एमएस वर्ड को ओपन करूँ तो यहाँ पर ये जो A3 का साइज है मेरा वो साइज यहाँ पर रिप्रेजेंट होना चाहिए। यानी जब भी मैं एमएस वर्ड ओपन करूँ तो हमारे पेज का जो साइज हो वो A4 की बजाय A3 आना चाहिए। अब जैसे कि मैं जब भी यहाँ पर नया पेज लेता हूँ फाइल पर जाकर के, मान लीजिए मैंने यहाँ पर न्यू पर क्लिक किया, न्यू पर क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे पेज लेआउट में जाकर के मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो साइज़ है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अभी A4 आ रहा है और मैं A4 को चेंज करके यहाँ पर A3 चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो पेपर का साइज़ हो वो A3 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो। तो ये सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर पेपर साइज़ का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने पेज सेटअप का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसको अगर आप डायरेक्टली ओपन करना चाहें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखाई देगा पेज सेटअप का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टली वही सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इसको आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे पेपर साइज का आपको एक ऑप्शन ऊपर की तरफ दिखाई देगा, इस ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जिस भी पेपर साइज को सिलेक्ट करना है आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मान लीजिए मैं A4 की जगह यहाँ पर A3 चाहता हूँ, तो A3 को जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे उसकी विथ और उसकी हाइट यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे जाएगी। अब इसके बाद आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको ओके पर क्लिक नहीं करना, आपको ध्यान रखना है नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट एज डिफ़ॉल्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जिसमें लिखा है कि डू यू वॉन्ट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर पेज सेटअप। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस चेंज विल इफेक्ट ऑल द न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट्स। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर येस करेंगे तो आप जब भी एमएस वर्ड को नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे या कोई भी नया पेज यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो उसका पेपर साइज बाय डिफॉल्ट A3 का ही आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। मैं इसको दिखा देता हूँ, मैं वापस से फाइल वाले ऑप्शन पर जाता हूँ, यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं लेआउट पेज पर वापस से जाता हूँ, पेज सेटअप पर वापस से क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डिफॉल्ट साइज़ है वो यहाँ पर A3 आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। अब मैं एमएस वर्ड को पूरी तरीके से कट कर देता हूँ और फिर फ्रेशली तरीके से एमएस वर्ड को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका साइज़ क्या आता है। अब आप देखेंगे हमारा एमएस वर्ड यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब मैं एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Windows+R और यहाँ पर टाइप करता हूँ विनवर्ड। विनवर्ड डालने के बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ एमएस वर्ड ओपन हो गया और उसके बाद लेआउट वाले ऑप्शन पर हम फिर से चले जाते हैं, पेज सेटअप पर वापस से क्लिक करते हैं और आप देखेंगे हमारा जो पेपर का साइज है वो A3 पेपर ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपने एमएस वर्ड में अपने पेपर साइज को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। कि आप एमएस वर्ड 2019 में लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ब्लॉक में कॉलम ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। आपने अक्सर अखबारों में या डिक्शनरी में ज़रूर देखा होगा कि टेक्स्ट दो या दो से अधिक कॉलम में लिखा होता है। आपको भी अगर किसी डॉक्यूमेंट में कॉलम्स की ज़रूरत हो तो वह आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी लिखे टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना हो या फिर दो या दो से अधिक कॉलम में एक साथ काम करने के लिए कॉलम ब्रेक करना हो तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि MS Office, Corel Draw, Photoshop, TelePrime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉलम का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको टाइप करना है RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पर आपको जितने भी पैराग्राफ चाहिए उतने पैराग्राफ यहाँ पर टाइप कर दीजिए और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे आपके पास उतने ही पैराग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इन पैराग्राफ को पहले हम जस्टिफाई कर लेते हैं ताकि इसका जो लेफ्ट साइड का जो सीक्वेंस है राइट साइड में भी सेम ऐसा ही हो जाए। तो इसके लिए आपको होम टैब में यहाँ पर पूरे मैटर को सिलेक्ट करना है Ctrl+A से और उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है या फिर आप Ctrl+J भी प्रेस कर सकते हैं। तो हमने पूरे मैटर को जस्टिफाई में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपको जाना है यहाँ से लेआउट टैब के अंदर। लेआउट टैब में पेज सेटअप ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे कॉलम नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर 5 तरीके के कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ नीचे सबसे पहले आपको बताता हूँ मोर कॉलम्स के बारे में, उसके बाद इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले हम चले जाते हैं मोर कॉलम्स के अंदर। मोर कॉलम्स में आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट के अंदर वही 5 कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 1 कॉलम रखना चाहते हैं तो 1 कॉलम, 2 कॉलम रखना चाहते हैं तो 2 कॉलम, 3 कॉलम रखना चाहते हैं तो 3 कॉलम, लेफ्ट साइड से आप चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से आपका जो कॉलम होगा वो थोड़ा सा कम होगा और राइट साइड में आपका कॉलम का साइज इंक्रीज होगा, और अगर आप यही चीज़ अपोजिट में चाहते हैं तो राइट साइड में आपका जो कॉलम का साइज़ है वो ज़्यादा होगा और लेफ्ट साइड में आपका कॉलम का साइज़ कम होगा। तो इसमें से जो भी आप रखना चाहें आप इजीली आप उसे रख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा नंबर ऑफ कॉलम का एक ऑप्शन। यहाँ पर आप अपने पैराग्राफ को और भी ज़्यादा कॉलम में अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से इसे 3 कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा विथ एंड स्पेसिंग का। आप चाहें तो अपने कॉलम्स के विथ को और उसके स्पेस को आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में आप देखेंगे लिखा है इक्वल कॉलम विथ, यानी यहाँ पर जो भी कॉलम हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसका साइज़ यहाँ पर इक्वल है।
अगर इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टिक मार्क को यहाँ से हटाना होगा। स्टिक मार्क को यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास ये तीनों कॉलम्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हम टू कॉलम्स को ले लेते हैं। टू कॉलम्स को लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा लाइन बिटवीन का। इस बिटवीन वाले ऑप्शन को अगर आप यहाँ से टिक हटा देते हैं तो आप देखेंगे इसके बीच में एक लाइन आपको दिखाई दे रही थी जो हट गई। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलम के बीच में एक लाइन आनी चाहिए तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर वो लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कॉलम विड्थ की और स्पेसिंग की। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पर इक्वल कॉलम विड्थ को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके टिक मार्क को यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जो दिखाई दे रहा है उसे हम तीन कर लेते हैं। तीन कॉलम करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर विड्थ और स्पेसिंग दोनों ही रिप्रेजेंट हो रही हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो इसका विड्थ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ से बीच वाले को यानी कि जो सेकंड नंबर का हमारा जो पैराग्राफ है उसके साइज़ को हमने यहाँ से कम कर लिया। और उसके बाद आप थर्ड नंबर वाले साइज़ को अपने हिसाब से यहाँ से उसे बढ़ा और घटा सकते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही हम विड्थ को यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं आपका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर साथ के साथ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो अपने स्पेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे सामने दो स्पेस आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ जो है वो तीन है। आप देखेंगे एक दो तीन, तीन पैराग्राफ हमारे सामने हैं और दो स्पेसिंग है यानी कि एक बीच में जहाँ पर ये देखिए लाइन आ रही है और यहाँ एक ये लाइन आ रही है। दोनों ही स्पेस आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेस को इंक्रीज करना चाहें तो आप देखेंगे यहाँ से आपका स्पेस इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से अगर आप सेकंड वाले स्पेस को कम करना चाहें तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने पूरे मैटर को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अप्लाई टू और यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्ल्ड डॉक्यूमेंट और उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड। फिलहाल मैं आपको वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमने जिस हिसाब से अपने मैटर को सिलेक्ट किया था उसी हिसाब से हमारा जो कॉलम है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से कॉलम के विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट को वापस से रिसेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कंट्रोल जेड का यूज़ करेंगे। कंट्रोल जेड का यूज़ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिसेट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि पहले पैराग्राफ को छोड़ करके बाकी का नीचे का जितना भी पैराग्राफ है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ से आप पैराग्राफ को कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद उसके नीचे से जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपका कॉलम में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करके आपको वापस से उसी सेटिंग पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जितने भी कॉलम डिवाइड करने हैं उतने नंबर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। उतने नंबर्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ले लेना है दिस पॉइंट फॉरवर्ड का ऑप्शन। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर जाएगा स्टार्ट न्यू कॉलम का। इसका बेसिकली यही यूज़ है कि जैसे हम इस पर टिक करेंगे तो जो भी हमारा ये मैटर कॉलम में डिवाइड होगा वो एक नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाई देगा और अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो आपका जो मैटर है वो कॉलम में डिवाइड होगा बट इसी पेज पर ही आपको ये दिखाई देगा। तो पहले मैं दोनों ही आपको ऑप्शन यूज़ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको टिक यहाँ पर नहीं किया हुआ और मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओके। ओके पर जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे हमारा ये कॉलम यहाँ पर डिवाइड हो गया बट ये नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट नहीं हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैटर हमारा नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाए तो उसके लिए हम फिर से एक बार कंट्रोल जेड करके पीछे चले जाते हैं और वापस से उसी सेटिंग पर फिर से क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं जितने भी कॉलम में आप अपने डेटा को डिवाइड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको दिस पॉइंट फॉरवर्ड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्टार्ट न्यू कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो गया विद कॉलम एडजस्ट होकर के। तो इस तरीके से इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस से इसको रिसेट कर लेते हैं कंट्रोल जेड करके। हमने पूरे डेटा को वापस से रिसेट कर लिया। रिसेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 1, 2, 3 लेफ्ट और राइट का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप टू कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डाटा है वो टू कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप थ्री कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पर डायरेक्टली थ्री कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर लेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट का जो आपका कॉलम है वो आपका छोटा होगा और राइट साइड का आपका जो कॉलम होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर आप राइट वाले को सिलेक्ट करेंगे तो राइट का जो आपका कॉलम है वो काफ़ी बड़ा होगा और लेफ्ट वाला जो कॉलम है वो थोड़ा सा छोटा होगा। अब इसके बाद मान लीजिए हम इसे वापस से रिसेट कर लेते हैं कंट्रोल जेड करके। मैंने इसको वापस से रिसेट कर लिया। रिसेट करने के बाद मैं पूरा पेज एक बार डिलीट कर देता हूँ, पूरे मैटर को एक बार डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेक्शंस में डिवाइड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर थ्री कॉलम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको अपना कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पर फटाफट डॉक्यूमेंट को टाइप कर लेता हूँ। आप देखेंगे हमने अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो डाटा है वो नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर अपने आप पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा कॉलम फिल करना होगा यानी पूरा का पूरा आपको टाइप करना होगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इसको कट कर देता हूँ
और कट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम पर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमें नेक्स्ट कॉलम पर जाने की परमिशन नहीं दे रहा। इसके लिए हमें यहाँ पर पहले पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर टाइप करना होगा और टाइप करने के बाद ही हम इस पर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सेक्शन डिवाइड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन, यहाँ पर सेकंड सेक्शन और यहाँ पर थर्ड सेक्शन, और तीनों ही सेक्शन में मैं एक साथ काम करना चाहता हूँ, तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉलम ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉलम ब्रेक यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया सेक्शन फर्स्ट लिखने के बाद, अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट कॉलम पर हमें जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए हम चले जाएंगे यहाँ पर ब्रेक वाले ऑप्शन पर। ब्रेक वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कॉलम। जैसे ही हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये हमें नेक्स्ट कॉलम पर यहाँ पर जंप कर दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं सेक्शन टू। सेक्शन टू टाइप करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर ब्रेक का यूज़ करना है। कॉलम ब्रेक को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये थर्ड सेक्शन पर यहाँ पर पहुँचा देगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री टाइप करने के बाद अगर आप सेक्शन वन में कोई काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वन पर जाना होगा, माउस से वहाँ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद एंटर प्रेस करना होगा। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक। उसके बाद अगर आप सेक्शन टू में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेक्शन टू पर जा करके एंटर प्रेस करना होगा। माउस के कर्सर का आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन टू में भी आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और उसके बाद सेक्शन थ्री में काम करने के लिए भी आपको यहाँ पर माउस के कर्सर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको एंटर प्रेस करना होगा और फिर यहाँ पर आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया चढ़ोता। और उसके बाद नीचे की तरफ भी काम करने के लिए आपको सेम प्रोसेस यही अपनाना होगा। यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आज हम आपको लेआउट टैब के ब्रेक ऑप्शन के अंतर्गत सभी ऑप्शन की जानकारी दे रहे हैं। एमएस वर्ड 2019 में आप देखेंगे लेआउट टैब के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्रेक ऑप्शन, जिसमें आपको दो पार्ट दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका पेज ब्रेक और दूसरा आपका सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक की सहायता से आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के किन्हीं दो पेजेस के बीच में ब्रेक लगाकर उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, और सेक्शन ब्रेक से वर्ड डॉक्यूमेंट के पेजेस को या फिर पेजेस में लिखे टेक्स्ट को अलग अलग सेक्शंस में बांट सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पेज ब्रेक लगाने के बाद भी डॉक्यूमेंट के अलग हुए हिस्सों में अलग अलग फॉर्मेटिंग संभव नहीं है, जबकि सेक्शन ब्रेक लगाने के बाद डॉक्यूमेंट के अलग हुए हिस्सों में अलग अलग फॉर्मेटिंग की जा सकती है। तो चलिए हम आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का उपयोग करके बता देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेआउट टैब के ब्रेक ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने दो पार्ट आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला आपको पार्ट दिखाई देगा पेज ब्रेक का और दूसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पर सेक्शन ब्रेक का। तो सबसे पहले हम पहला वाला ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। पेज ब्रेक में आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इन तीनों ऑप्शन को समझाने के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट किया हुआ है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इस पर पेज नंबर को इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चले जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ से चले जाते हैं हम लोग पेज नंबर पर। यहाँ पर आपको लेना है टॉप ऑफ पेज और यहाँ से हम प्लेन नंबर टू को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लेन नंबर टू को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे उन सभी पेजेस के ऊपर यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। पेज नंबर को इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसके व्यू को बदल लेते हैं। तो इसके लिए हम व्यू टैब पर जाते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मल्टीपल पेजेस का, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर पेज नंबर वन, पेज नंबर टू, पेज नंबर थ्री दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मल्टीपल पेजेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम चले जाते हैं अपने उसी सेक्शन पर वापस से। पेज लेआउट पर जाने के बाद यहाँ पर आप पेज ब्रेक में देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा ब्रेक का। तो इस ऑप्शन का यूज़ कैसे किया जाता है, मान लीजिए कि हमारे पास पेज वन पे जो भी डॉक्यूमेंट है, मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर वन के जो दो पैराग्राफ हैं इनको छोड़कर बाकी के जितने भी पैराग्राफ हैं ये सभी पैराग्राफ शिफ्ट हो जाएं पेज नंबर टू पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ से आपको पैराग्राफ को शिफ्ट करना है वहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ब्रेक वाले ऑप्शन पर जाना है।
और यहाँ पर आपको यूज़ करना है पेज ब्रेक। तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर पूरा का पूरा पेज ब्लैंक हो जाएगा और आपका पूरा डेटा यहाँ पर पेज नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको आपको वापस से अगर इसी पेज पर शिफ्ट करना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में क्लिक करना है जहाँ से आप इसको वापस से यहाँ पर लाना चाहते हैं, और उसके बाद अपने कीबोर्ड से आपको बैकस्पेस प्रेस कर देना है। 2 बार जैसे आप बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा वापस से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा कॉलम ब्रेक। तो कॉलम ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें पूरे डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट बगल में ही आपको कॉलम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर जाने के बाद हम यहाँ से 2 कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। 2 कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि पेज नंबर 1 में जो हमारे सबसे लास्ट का पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम पेज नंबर 2 पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आपको सेम वही काम करना होगा। आपको जहाँ से पैराग्राफ को शिफ्ट करना है आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ब्रेक वाले सेक्शन पर जाना है। ब्रेक सेक्शन पर जाने के बाद यहाँ से आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो मैटर यहाँ से शिफ्ट होकर के दूसरे नंबर पेज के पैराग्राफ पर यहाँ पर पहुँच चुका है, और इसको वापस से आपको यहाँ पर लाना है तो या तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं और या तो फिर आप बैकस्पेस यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो जो डॉक्यूमेंट पेज नंबर 2 पे शिफ्ट हुआ था वो वापस से आपके पेज नंबर 1 पर एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम सभी डॉक्यूमेंट को वापस से कॉलम 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए कॉलम पर जाएंगे और यहाँ पर 1 कॉलम को सिलेक्ट करें। 1 कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट नॉर्मली जैसा था वैसा ही आपको फिर से दिखाई देगा। इसके बाद आपको जाना है यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ से आपको जाना है पिक्चर वाले ऑप्शन। पिक्चर ऑप्शन पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर्स का। तो दोनों ही तरह से आप यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर दिस डिवाइस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। दिस डिवाइस को जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से इस पिक्चर को यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसे इंसर्ट कर दिया। जैसे हम पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे प्रॉपर फुल साइज़ में आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा। इसको हम यहाँ से कॉर्नर से पकड़ करके छोटा कर लें। इसके बाद हम यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर चले जाते हैं, और रैप टेक्स्ट से हम यहाँ पर टाइट वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं। टाइट रैप फॉर्मेट जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पर जहाँ पर भी अगर मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने लिए स्पेस बनाता चला जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इस इमेज को जहाँ पर भी मूव करूँगा ये अपने आप अपना स्पेस बनाता चला जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए और पिक्चर के दोनों तरफ कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर नज़र ना आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो जहाँ से आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आपको एक बार जा करके क्लिक करना होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद जाना है ब्रेक वाले ऑप्शन पर। ब्रेक ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा टेक्स्ट रैपिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो यहाँ से राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा था वो पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पर नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी इमेज को जहाँ भी मूव करेंगे, मान लीजिए अगर आप इसे ऊपर मूव करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, बट नीचे की तरफ अगर आप इसे लेकर जाएंगे तो नीचे की तरफ पहली लाइन से ही एडजस्टमेंट नहीं होगा। इसे अगर और ज़्यादा नीचे की तरफ आप लेकर जाएंगे तब तो ये बेसक एडजस्ट होगा, बट जैसे आप इसे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो जहाँ से हमने इसको ब्रेक लगा रखा है उसके लेफ्ट या राइट साइड में किसी भी टेक्स्ट को एडजस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक सेक्शन के आप ऊपर वाले फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन ब्रेक की। तो सेक्शन ब्रेक का यूज़ करने के लिए हम पूरे डॉक्यूमेंट को वापस से वैसा बना लेते हैं जैसा ये पहले था। सेक्शन ब्रेक के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर वापस से ब्रेक वाले ऑप्शन पर जाते हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेक्स्ट पेज का एक ऑप्शन। नेक्स्ट पेज का जो ऑप्शन है और यहाँ पर आपको जो पेज का जो ऑप्शन है लगभग दोनों का काम सेम है, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क है। जैसे मान लीजिए हमने पेज ब्रेक यूज़ किया था और पेज ब्रेक यूज़ करने के बाद हम अपने किसी भी डेटा को वापस से अगर उसी पेज पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो बैकस्पेस की मदद से हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पेज नंबर 1 के 2 पैराग्राफ को छोड़ करके तीसरे पैराग्राफ पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्रेक ऑप्शन में सेक्शन ब्रेक के नेक्स्ट पेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा मैटर वापस से यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, और अगर आप यहाँ पर बैकस्पेस का यूज़ करेंगे तो ये मैटर आपका वापस से इस पेज पर एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन इससे पहले वाले केस में हमने यहाँ पर पेज ब्रेक का यूज़ किया था जिसके अंदर अगर आप बैकस्पेस यूज़ करते थे तो पूरा का पूरा आपका जो भी मैटर था वो आपके इस पेज पर वापस से एडजस्ट हो जाता था।
बट सेक्शन ब्रेक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट सेक्शन ब्रेक में अगर आपने किसी भी पैराग्राफ को ब्रेक किया है तो वापस से वो इस पेज पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको या तो कंट्रोल जेड का यूज़ करना होगा और या तो फिर आपको पूरे मैटर को यहाँ से कट करके वापस से यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक ऑप्शन के सेक्शन ब्रेक के नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली कंटिन्यूस ब्रेक कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंटिन्यूस ब्रेक लगाया क्यों जाता है। कंटिन्यूस ब्रेक तब आपका यूज़ किया जाता है जब आप सेम डॉक्यूमेंट के सेम पेजेस पर अलग अलग फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट को वापस से नॉर्मल कर लेते हैं जैसा ये पहले था। अब मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि पेज नंबर 1 के दो पैराग्राफ को छोड़ करके नीचे के जो दो पैराग्राफ हमें दिखाई दे रहे हैं इन दोनों ही पैराग्राफ को मैं कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ। बट जैसे ही मैं कॉलम पर जाकर के यहाँ पर 2 कॉलम को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना था, हमें शुरुआत के जो दो पैराग्राफ है इनको छोड़ करके बाकी के जो दो पैराग्राफ है इनको कॉलम में डिवाइड करना था। इसके लिए पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इस मैटर को सिलेक्ट करके कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से आप 2 कॉलम को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो दोनों पैराग्राफ हैं वो यहाँ पर कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी तरीके से आप इसके बीच में किसी तरीके की कोई और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए वाटरमार्क लगाना चाहते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंटिन्यूस ब्रेक लगाना होगा। तो कंटिन्यूस ब्रेक लगाने के लिए हम यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ से हमें कंटिन्यूस ब्रेक लगाना है और उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर कंटिन्यूस को सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यूस ब्रेक लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कंटिन्यूस ब्रेक लग चुका है। नीचे की तरफ जहाँ तक आपको कंटिन्यूस ब्रेक लगाना है वहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है और यहाँ से आपको वापस से ब्रेक वाले ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर कंटिन्यूस ब्रेक को वापस से क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे हमारा यहाँ से 2 पैराग्राफ में यहाँ पर कंटिन्यूस ब्रेक लग चुका है। अभी आप देखेंगे हमें ये कंटिन्यूस ब्रेक दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे देखने के लिए आप क्या करेंगे, होम टैब पर जा करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो हाइट का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेक्शन ब्रेक दिखाई देगा। आपको ये पता चल जाएगा कि इन दोनों पैराग्राफ में यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लग चुका है। तो फिलहाल अभी हम इसे यहाँ से हटा लेते हैं और अब इस पैराग्राफ में हम किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिसका इफेक्ट बाकी के किसी भी डॉक्यूमेंट पर नहीं पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और हम इसे सेम 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो अभी हमने मैटर को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ इस पैराग्राफ पर क्लिक किया है और यहाँ से जाएंगे लेआउट टैब पर और यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर 2 या 3 कॉलम कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे वही सेक्शन हमारा यहाँ पर कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेआउट टैब की कंटिन्यूस ब्रेक का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इवन पेज और ऑड पेज की। जैसे कि इवन नंबर की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली हमारे होते हैं 2, 4, 6, 8 और अगर हम ऑड पेजेस की बात करें तो वो होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पर इवन और ऑड पेज का किस तरीके से सेक्शन यूज़ किया जाता है यानी किस तरीके से इसका ब्रेक किया जाता है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी पेज नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं ही चाहता हूँ कि पेज नंबर 2 के बाद यहाँ पर 3 पेज नंबर ना आए, इसकी जगह डायरेक्टली 4 नंबर का पेज रिप्रेजेंट हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर इवन पेज का यूज़ करेंगे। तो पेज नंबर 2 के पैराग्राफ पर क्लिक करने के बाद हम चले जाते हैं ब्रेक वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इवन पेज। इवन पेज पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पर हमने क्लिक किया था वहाँ का पूरा मैटर उठ करके यहाँ नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो गया है और आप देखेंगे 2 के बाद यहाँ पर आपको जो पेज नंबर दिखाई दे रहा है वो आपको 4 नंबर का पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि पेज नंबर 3 यहाँ पर आपको अभी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर आप ऑड का यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हमें 5 नंबर का पेज आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको 5 नंबर का पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस 5 नंबर के पेज के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 6 नंबर का जो पेज है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट ना हो, की जगह पर यहाँ पर मुझे 7 नंबर का पेज चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जहाँ से इसको ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ब्रेक्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम ऑड पेज पे क्लिक करेंगे। ऑड पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा नीचे का जितना भी मैटर था वो यहाँ से शिफ्ट हो गया पेज नंबर 7 पर और 5 नंबर के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर 7 नंबर का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 5 नंबर है और यहाँ पर हमें 7 नंबर का पेज यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसका मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद आप देखेंगे पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 पेज के बाद यहाँ पर हमने इवन ब्रेक का यहाँ पर यूज़ किया था। तो इसके लिए हम यहाँ पर जैसे ही नीचे से नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे 3 नंबर का जो पेज आपको दिखाई देगा वो यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है
और दो के बाद सीधे यहाँ पर चार नंबर का पेज आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरीके से हम फिर से यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको पाँच नंबर का पेज दिखाई दे रहा है, बट इवन नंबर का जो पेज है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में इवन नंबर और ऑड नंबर पेजेस को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। हम स्कैप दबाकर वापस से अपने डॉक्यूमेंट पर पहुँच जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे सेक्शन ब्रेक्स वगैरह का यूज़ किया है, और उन सभी ब्रेक्स को अगर आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उसे आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम होम टैब पर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से शो और हाइड पर क्लिक करेंगे। शो और हाइड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर सेक्शन ब्रेक आपको दिखाई देगा, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन ब्रेक इवन पेज और सेक्शन ब्रेक यहाँ पर ऑड पेज भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इन सभी सेक्शन ब्रेक्स को एक बार में आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको होम टैब पर जाना है और यहाँ से आपको रिप्लेस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। रिप्लेस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे की तरफ आपको स्पेशल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। इस बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जिस चीज़ को भी रिमूव करना चाहते हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे आप कोई फील्ड रिमूव करना चाहते हैं, कोई डैश रिमूव करना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई लेटर रिमूव करना चाहते हैं, पैराग्राफ मार्क्स रिमूव करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पर सेक्शन ब्रेक को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर सेक्शन ब्रेक दिखाई दे रहा है, हम इसको सिलेक्ट करें। जैसे हम यहाँ पर सेक्शन ब्रेक को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे फाइंड व्हाट के अंदर हमारे सेक्शन ब्रेक का सिंबल आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, और रिप्लेस में आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रिप्लेस में यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको रिप्लेस ऑल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम रिप्लेस ऑल डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा जिसमें लिखा होगा कि ऑल डन, वी नीड 6 रिप्लेसमेंट, यानी इसने 6 रिप्लेसमेंट किया है, यानी 6 जगह पर आपका जो भी सेक्शन ब्रेक लगा हुआ था इसने उन सभी ब्रेक को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं, सेक्शन ब्रेक को रिमूव भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का कोई ब्रेक आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने सभी ब्रेक्स को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेआउट टैब के लाइन नंबर ऑप्शन के अंतर्गत सभी ऑप्शन की जानकारी दे रहे हैं। लाइन नंबर ऑप्शन की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट में लाइन नंबर्स डाल सकते हैं। चलिए आपको एक उदाहरण देकर समझा देते हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया और फिर दूसरे विद्यार्थी को उस प्रोजेक्ट को रीचेक करने को कहा। दूसरा विद्यार्थी किसी दूसरे स्थान पर किसी अन्य कंप्यूटर पर रीचेकिंग करने का काम कर रहा है। अब यदि चेक करने पर इस प्रोजेक्ट में उसे कोई गलती मिलती है या फिर किसी पैराग्राफ की कोई लाइन में चेंजेस करना हो, तो ऐसे में इतने बड़े प्रोजेक्ट में वो लाइन कहाँ है और कहाँ पर क्या बदलाव करना है, ये एक दूसरे को समझाने में कठिनाई हो सकती है। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल तरह से समझते हैं कि लाइन नंबर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमने इस डॉक्यूमेंट में कई जगह पर कैपिटल वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है, जैसे हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी कैपिटल वर्ड्स का यूज़ किया है और इसको भी हाईलाइट किया हुआ है। इसमें से कई जगह पर हम चाहते हैं कि इसको कैपिटल की जगह स्मॉल करना, और या फिर आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल की स्पेलिंग हमने गलत लिखी हुई है। तो डॉक्यूमेंट में इन सभी चेंजेस को करने के लिए कि अगर हम ये बोलेंगे कि हम दूसरे पैराग्राफ के तीसरी लाइन में किसी भी वर्ड को कैपिटल से स्मॉल में करना चाहते हैं, या फिर हम तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में कंट्रोल की स्पेलिंग सही करना चाहते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी समय लगने वाला है। अब हम जानेंगे कि लाइन नंबर की मदद से हम अपने इस वर्क को कितना आसान कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें जाना है लेआउट टैब पर, और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा लाइन नंबर्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कंटिन्यूअस का, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे हम कंटिन्यूअस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर लाइन नंबर रिप्रेजेंट हो गया है। पहले पेज पर 24 से लेकर के नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे, ये लास्ट हमारा जहाँ तक डॉक्यूमेंट होगा वहाँ तक ये नंबरिंग हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस का यूज़ कर रखा है, अब मान लीजिए लाइन नंबर की मदद से हम आसानी से बता सकते हैं कि हमें कौन से नंबर लाइन में कुछ भी चेंजेस करनी है। जैसे मान लीजिए हम 5वीं नंबर लाइन में इस वाले मैटर को स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसे आसानी से इसे सिलेक्ट करके होम टैब में जा करके यहाँ से इसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि 8वीं नंबर लाइन में कंट्रोल की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कंट्रोल की स्पेलिंग को यहाँ पर करेक्ट कर लिया। इस तरह से आप लाइन नंबर की मदद से अपने डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप आसानी से उस लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले ऑप्शंस की। अब इस नंबर को हटाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको जाना है लेआउट टैब पर और यहाँ से आपको नन पर क्लिक कर देना है। नन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी लाइन नंबरिंग्स होगी वो यहाँ से हट जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो वो है हमारा रीस्टार्ट ईच पेज। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे यहाँ से हम देखते हैं हमारा लाइन नंबर 1 से स्टार्ट है और नीचे की तरफ पेज एंडिंग में अगर हम देखेंगे तो लास्ट ये 24 तक हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जैसे हम पेज नंबर 2 पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से फिर से लाइन नंबर हमारा स्टार्ट हो गया है और लास्ट में जहाँ तक हमारा पैराग्राफ होगा, जहाँ तक हमारी लाइन होगी, ये वहाँ तक आपको नंबर रिप्रेजेंट करेगा। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पेज नंबर 3 में भी ये स्टार्टिंग से आपको नंबर रिप्रेजेंट करेगा। पहला वाला जो ऑप्शन हमने कंटिन्यूअस का यूज़ किया था उसमें इसने फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक जितने भी नंबर्स थे सीरीज़ वाइज आपको रिप्रेजेंट किया था। तो रीस्टार्ट ईच पेज की मदद से जितने भी आपके पास पेजेस होंगे उन सभी पेजेस में जितनी भी लाइंस आपने लिखी हैं उतनी लाइन नंबर ही आपको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही आप दूसरे पेज पर जाएंगे तो आपका लाइन नंबर वहाँ पर शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हटाने के लिए हम वापस से नन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन भी यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लगाना होगा। तो ब्रेक से रिलेटेड हमने पिछली वीडियो बना रखी है, इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि इन सभी ब्रेक्स का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ अभी कंटिन्यूस ब्रेक का ही यूज़ करके आपको दिखाएंगे। मान लीजिए हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम ब्रेक्स में जा करके यहाँ पर कंटिन्यूस ब्रेक लगा देते हैं। कंटिन्यूस ब्रेक लगाने के बाद नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ पर दैट पर और यहाँ पर भी जा करके हम कंटिन्यूस ब्रेक यहाँ पर लगा देते हैं। अब यहाँ पर इस सेक्शन में हमने कंटिन्यूस ब्रेक लगा दिया है। अब पूरे मैटर को हम कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है लाइन नंबर्स पर और यहाँ से आपको यूज़ करना है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे हमने स्टार्टिंग में इफ फर सेक्शन ब्रेक लगाया था और यहाँ पर दैट पे सेक्शन ब्रेक हमने ख़त्म किया था। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक हमारा सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है और सेक्शन ब्रेक के बाद से आप देखेंगे फिर से 1 से लाइन नंबर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी सेक्शन ब्रेक या किसी भी ब्रेक का यूज़ किया हुआ है तो ये बेसिकली आपका जो लाइन नंबर होगा वो सेक्शन ब्रेक से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और जहाँ तक आपका सेक्शन ब्रेक लगा होगा वहाँ पर ये एंड हो जाएगा और उसके बाद से वापस से ये लाइन नंबर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेक्शन ब्रेक का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो हम चले जाएंगे वापस से उसी ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो इसका यूज़ करने के लिए आप जिस भी पैराग्राफ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पर जा करके जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो उस पैराग्राफ की लाइन नंबर यहाँ से रिमूव हो जाएगी, वो लाइन नंबर यहाँ से हट जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर 7 के बाद सीधे 8 नंबर का आपका लाइन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर जो हमने लाइन नंबर लगाया था उसको यहाँ से हमने हटा दिया है। तो यानी कि जिस भी पैराग्राफ पर आप लाइन नंबर नहीं चाहते हैं उस पैराग्राफ पर आपको सिंपली यहाँ पर जाकर के क्लिक करना होगा और वापस से इसी नंबर पर जाकर के आपको यहाँ पर सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे वहाँ से हमारा लाइन नंबर रिमूव हो जाएगा, यानी 17 के बाद आप देखेंगे 18 यहाँ से स्टार्ट हो गया है, उस पैराग्राफ से लाइन नंबर आपका यहाँ पे हट जाएगा। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे की तरफ हमारा एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा लाइन नंबर ऑप्शंस का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पेज सेटअप का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है,
इस पर मैंने इन सभी ऑप्शन को यहाँ पर कवर किया हुआ है, तो इसका भी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं, इन सभी ऑप्शन को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल लाइन नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ लाइन नंबर को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस पर हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक और सेटिंग्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट ऐड का। तो स्टार्ट ऐड का मतलब होता है कि आप अपने लाइन नंबर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अपने नंबर को 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 1 रखना है। अगर आप अपने नंबर को यहाँ से चाहते हैं कि वो 4 5 6 7 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर आप 4 नंबर रखेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर 4 नंबर को सिलेक्ट करते हैं। नीचे की तरफ आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा होगा फ्रॉम टेक्स्ट। इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट से लाइन नंबर की दूरी कितनी होनी चाहिए उसको आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये बेसिकली आपकी ऑटो सेटिंग रहती है, आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर यहाँ पर रख लिया इसको। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने तीसरा ऑप्शन है काउंट बाय का। काउंट बाय का मतलब है कि आप लाइन नंबर में कितना डिफरेंस चाहते हैं आप वहाँ पर वो नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 के बाद आप 1 नंबर का डिफरेंस चाहते हैं, तो आपका जो नंबर बनेगा वो 4 के बाद 5 6 7 8 बनेगा। और अगर आप यहाँ पर लाइन नंबर 2 रख लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो लाइन नंबर का डिफरेंस होगा वो 2 नंबर का डिफरेंस होगा, यानी 4 के बाद सीधे 6 आएगा, 6 के बाद सीधे 8 आएगा, 8 के बाद सीधे 10 आएगा। तो इस तरीके से आप अपने लाइन नंबर की सेटिंग्स कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिस्टार्ट ईच पेज का। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हर पेज से आपका जो भी लाइन नंबर होगा वो शुरुआत से स्टार्ट होगा। और अगर आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन यूज़ करेंगे रिस्टार्ट ईच सेक्शन का, तो यहाँ पर आपका जो भी लाइन नंबर स्टार्ट होगा वो अलग अलग सेक्शन से यहाँ पर स्टार्ट होगा। और उसके बाद अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी पैराग्राफ या जितने भी लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई हैं उन सभी पर लाइन नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसी सेटिंग को करके यहाँ पर सीधे ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ भी हम ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा लाइन नंबर यहाँ पर सेट हो चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 9 नंबर तक का तो जो हमारा नंबर है वो हमने सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लगा रखा था, इस वजह से वो यहाँ पर वही सेटिंग्स रिप्रेजेंट हो रही है। नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा लाइन नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है वो हो रहा है 10 के बाद सीधे 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, क्योंकि हमने लाइन नंबर का जो डिफरेंस दिया था वो 2 डिजिट का लाइन नंबर का हमने डिफरेंस दिया था। तो उसी तरीके से आप देखेंगे इन नंबर्स में लाइन नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 डिजिट का डिफरेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप पेज लेआउट के लाइन नंबर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आज हम आपको लेआउट टैब के हाइफनेशन ऑप्शन के अंतर्गत सभी ऑप्शन की जानकारी दे रहे हैं। किसी डॉक्यूमेंट के किनारे तक पहुंचने पर किसी शब्द को विभाजित करने के लिए हाइफनेशन एक हाइफन का प्रयोग करता है। हाइफनेशन को हिंदी में यौगिक शब्द भी कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्दों के बीच में किया जाता है। यदि टेक्स्ट लाइन में पूरी तरह से नहीं आ पाता तो यह अपने आप ही टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट किए गए टेक्स्ट को या हाइफनेशन की सहायता से हाइफन का चिन्ह लगाकर इसे निचली लाइन में एडजस्ट कर देता है। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकल तरह से समझते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइफनेशन का यूज़ करने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रखा है। इसके बाद आपको जाना है लेआउट पर और लेआउट पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको हाइफनेशन का। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको नन दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि अभी फ़िलहाल हमने हाइफनेशन को यहाँ पर टर्न ऑफ किया हुआ है। इसको ऑन करने के लिए या तो आप ऑटोमेटिक पर क्लिक कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ पर मैनुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑटोमेटिक को यूज़ करके बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पर ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे विंडोज़ में आपका हाइफनेशन यहाँ पर यूज़ हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनक्रिप्टेड पर भी आपका यहाँ पर हाइफनेशन का यूज़ हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी हाइफनेशन यूज़ हो गया है। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो नीचे भी आपका कहीं ना कहीं हाइफनेशन यूज़ ज़रूर हुआ होगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा हाइफनेशन यूज़ हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्शंस के अंदर हमारा हाइफनेशन यहाँ पर यूज़ हो चुका है। तो इस तरीके से आप हाइफनेशन का यहाँ पर ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वापस से हम लेआउट टैब पर जाएंगे और हाइफनेशन को हटाने के लिए आपको वापस से हाइफनेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम नन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पर एक साथ हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे हमने इनक्रिप्टेड को
इसी तरीके से आप देखेंगे हमने यहाँ पर इनक्रिप्टेड को भी आपको दिखाया था कि इस पर भी हाइफनेशन यूज़ हुआ है, तो ये भी आपका नीचे की तरफ यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। और नीचे की तरफ अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर हमने कनेक्शंस में भी दिखाया था कि इसमें भी हाइफनेशन का यूज़ हुआ था, और नीचे की तरफ आप देखेंगे कनेक्शन में भी हमने हाइफनेशन का यूज़ आपको दिखाया था, तो वो भी आप देखेंगे यहाँ से ऐड करके नीचे की तरफ वो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप हाइफनेशन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैनुअल की, तो इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें आपको दिखाई देगा मैनुअल हाइफनेशन इंग्लिश इंडिया, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा हाइफनेट एट, यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई देगा कि किस किस जगह पर आपका हाइफनेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिसेबल में आपको हाइफनेशन दिखा रहा है, तो अगर आप डिसेबल में हाइफनेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसे येस करना होगा। जैसे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखेंगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिसेबल का, तो डिसेबल वाले ऑप्शन को अगर आप हाइफनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे येस कर दीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर वो हाइफनेट हो गया। इसी तरीके से विंडोज़ को भी अगर आप हाइफनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप इसे येस कर दीजिए, ये भी आपका हाइफनेट हो गया। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन में भी हाइफनेट यूज़ हो जाए तो उसे भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप इसे नो कर देंगे तो आप देखेंगे एप्लीकेशन में आपका हाइफनेशन यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ये उसको छोड़ करके यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इनक्रिप्टेड की, अगर आप यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि इस पर हाइफन का यूज़ हो तो इसके लिए आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। नो पर क्लिक करते ही आप देखेंगे वो भी हमारा यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप इसे कैंसिल करके देख सकते हैं। ऊपर की तरफ जैसे हम जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इनक्रिप्टेड जो था इस पर हमारे हाइफनेशन का यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप मैनुअल हाइफनेट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सेटिंग्स की। सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हाइफनेट ऑप्शन का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ऑटोमेटिकली हाइफनेट डॉक्यूमेंट का, इस पर अगर आप टिक कर देंगे तो आपको हाइफनेट ऑप्शन बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हाइफनेट का यूज़ हो जाएगा। इसके नीचे की तरफ अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है हाइफनेट वर्ड इन कैप्स, अगर आप यहाँ पर टिक रखेंगे तो आपका अगर कैपिटल वर्ड यहाँ पर राइट साइड में हाइफनेट के लिए रिप्रेजेंट होगा तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली हाइफनेट हो जाएगा। और अगर हम इस पर से टिक हटा देते हैं और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कि आप देखेंगे हमारा जो कीवर्ड यहाँ पर हमने हाईलाइट किया हुआ है इस पर हाइफनेट का यूज़ होना चाहिए था, तो इस पर हाइफनेट का यूज़ यहाँ नहीं हुआ है। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर किसी भी वर्ड में हाइफनेट का यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। अगर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसके साइज़ को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, मान लीजिए हम इसके साइज़ को यहाँ से इंक्रीज करते हैं, तो आप इस वाले वर्ड के अंदर यहाँ पर देखेंगे ऑल्सो के अंदर यहाँ पर हाइफनेट का यहाँ पर यूज़ हो चुका है, लेकिन कैपिटल वर्ड जो था हमारा उसके अंदर हाइफनेट का यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। तो मैं मैटर को एक बार कंट्रोल जेड करके यहाँ पर वापस से जैसा था वैसा ही बना देता हूँ, और इसके बाद उसी ऑप्शन पर जा करके मैं यहाँ पर हाइफनेट कैपिटल वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जैसे ओके बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो हमारा कैपिटल वर्ड यहाँ पर हाईलाइट है वो यहाँ पर हाइफनेट हो चुका है। तो अगर आपके पास कोई कैपिटल टेक्स्ट है जो कि यहाँ पर हाइफनेट हो सकता है वो यहाँ पर हाइफनेट नहीं होगा अगर आप इस पर टिक हटा देंगे, और अगर आप इस पर टिक रखेंगे तो यहाँ पर अगर कोई कैपिटल वर्ड होगा जिसमें हाइफनेट होना चाहिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो हाइफनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हाइफनेशन जोन, और यहाँ पर 0.63 सेंटीमीटर का आपके सामने यहाँ पर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप इसे डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर आप लास्ट 0.25 सेंटीमीटर तक इसे डिक्रीज कर सकते हैं। ये हाइफनेशन जोन जितना कम रहेगा उतना ही बेटर है, यानी उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पर हाइफनेट का यहाँ पर यूज़ होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे लिमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि आप कितना हाइफनेट करना चाहते हैं, एक वर्ड को करना चाहते हैं, दो वर्ड को करना चाहते हैं, चार वर्ड को करना चाहते हैं, इतने वर्ड के बाद हाइफनेट का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो बेसिकली हम इसको जो रखते हैं नो लिमिट ही रखते हैं, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी हाइफनेट का यूज़ होना चाहिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली हाइफनेट हो जाए, तो इसकी लिमिट हम यहाँ पर इसीलिए नो रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ 4 से 5 वर्ड को ही हाइफनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू डालेंगे उतने ही वर्ड यहाँ पर हाइफनेट होंगे, उससे ज़्यादा वर्ड हाइफनेट यहाँ पर नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हाइफनेशन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।